हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेना अभिनीत भारद्वाज। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शी हल्क के फिनाले के बारे में, जो कि है एपिसोड 9 एंड यह लास्ट एपिसोड पूरे सीजन का। मैंने ऑलरेडी एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 की हर एक एपिसोड की वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज जाके चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है Whose show is this? Guys, आज के एपिसोड की शुरुआत काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल में 70s और 80s में जो हल्क का शो आया करता है टीवी पे, एग्जैक्टली उसी तरीके से वो ही एग्जैक्ट सीन्स उठा के, बस इस बार यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स है, दिखाया जाता है। 70s में शो आता था, उसमें डेविड बैनर नाम दिया गया था ब्रूस बैनर की जगह, एंड उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसी थी कि उसका कार एक्सीडेंट होता है, वो हल्क बन जाता है। सेम एग्जैक्टली वही सीन यहाँ पे शी हल्क के तौर पर दिखाया है, एंड पिछले वाले शो को ट्रिब्यूट देते हुए एक्चुअली हम देखते हैं कि सब कुछ के दिमाग में चल रहा है, एक्चुअली सपना चल रहा है, एंड जेनिफर वॉल्टर्स को उसी सेल में बंद कर रखा है जहाँ पे एक टाइम पे एमिल ब्लॉन्स्की को बंद कर रखा था। आगे हम ये देखते हैं कि जैसे उसका सपना टूटता है, उसे सामने मिलने के लिए आई है मैलरी, बुक, निकी और पग, और मैलरी उसको यही समझा रही है कि तुमको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। जेनिफर वॉल्टर्स ज्यादा कंसर्न है कि जिसने भी किया उसको पकड़ना चाहिए, बट मैलरी कह रही है उसके कंसर्न एक्चुअली उसके दोस्त बन के कि तुम अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल करती तो आज सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती थी, तुम हल्क को तुमको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए थी। मैलरी कहती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के, अगर तुम उनको एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुमको यहाँ से बेल मिल सकती है, और बेल में ये मिल रहा है कि उसका हमेशा इनहिबिटर पहनना होगा, एंड शी कैन नॉट टर्न हरसेल्फ इनटू शी हल्क एनीमोर, जैसे एमिल ब्लॉन्स्की के साथ। जेनिफर वॉल्टर्स को अब GLK एंड एच से भी निकाल दिया गया है, एंड न्यूज में हर जगह ये बात चल रही है कि एंड ऑफ शी हल्क, जो शी हल्क का एरा था वो खत्म हो चुका है, एंड परमानेंटली यहाँ पे बैन कर दिया गया है जेनिफर वॉल्टर्स को शी हल्क बनने से। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसको अपना घर बेचना पड़ता है, एंड वो वापस अपने पेरेंट्स के साथ मूव इन कर देती है। शी इज कम्प्लीटली ब्रोक, उसके पास पैसे भी नहीं है क्योंकि जॉब नहीं है। निकी और जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे सर्च करें कि हल्क किंग तक कैसे पहुंचा जाए, जो कि इंटेलिजेंसिया का हेड है। इंटेलिजेंस है वही वेबसाइट जिसने सब कुछ रिवील किया था, उसकी पर्सनल लाइफ से लेकर उसके बैंक अकाउंट तक जेनिफर वॉल्टर्स की, और उसको बदनाम किया था पूरी दुनिया के सामने लास्ट एपिसोड में। निकी चाहती है कि जो भी कुछ मामला है इसको वो शी हल्क बन के निपटाए, लेकिन वो लीगल तरीके से करना चाहती है जेनिफर वॉल्टर्स। वो कहती है कुछ भी हो जाए मेरे को सिर्फ लीगल तरीके से लड़ना है। वहीं पे न्यूज़ पे ये भी चल रहा है जो डेनिस है, जो कि पिछली वाली कंपनी में काम किया करता था, वो जेनिफर वॉल्टर्स के बारे में ये कह रहे कि हाँ हम पहले डेट भी करते थे, एंड वो पहले से ही शील्ड बनने से पहले से ही साइको टाइप इंसान है। जेनिफर वॉल्टर्स एक बार फिर से ऑडियंस से बात करती है, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल करते हुए कहती है कि एक टाइम पे तो वैसे मैं नहीं चाहती थी कि शील्ड बनूं, बट अब शील्ड नहीं बन सकती तो मुझे अजीब लग रहा है। इसी बीच हम देखते हैं फिर से वो नरेटर शुरू हो जाता है, जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, एंड वो मना करते कि नहीं नरेटर अभी आप स्टार्ट मत हो, अभी एपिसोड बाकी है। एंड वहीं पर हम ये देखते हैं कि वो हल्क को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हल्क कहाँ है किसी को कुछ भी अता पता नहीं है। इनफैक्ट जेनिफर वॉल्टर्स एमिल ब्लॉन्स्की को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट एमिल ब्लॉन्स्की तक उसका मैसेज डिलीवर नहीं होता। निकी यहाँ पे अपना दिमाग चला दिया, निकी को दरअसल में जेनिफर वॉल्टर्स की एक डांसिंग वीडियो मिली थी उसके लॉ स्कूल के टाइम की, जो कि उसकी मॉम ने प्रोवाइड की थी, एंड निकी यहाँ पे उसी वेबसाइट पे जिसका नाम है इंटेलिजेंसिया उस पर वो अपलोड करती है। ये जानबूझ के अपलोड उसने इसलिए किया है अपने दोस्त के अगेंस्ट नहीं, बल्कि पता चल पाए कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन और कि लोग रिस्पॉन्स कैसे हैं, क्या चाहते हैं। जैसे इस वीडियो को अपलोड करती है तो हल्क किंग कहता है कि एक प्राइवेट मीटिंग रखी है, वहाँ पर जिसको आने वो आओ, तो इसके थ्रू एटलीस्ट लोकेशन पता चलेगी कि कहाँ पे इन लोगों से मिला जा सकता है। तो निकी क्या है, काफी स्मार्ट मूव रहा। जेनिफर वॉल्टर्स थक हार के अपनी लाइफ से पहुंचते हैं वापस एमिल ब्लॉन्स्की के उसी गेस्ट अपार्टमेंट में या फिर उसी ग्रुप के पास कुछ दिन रहने के लिए। निकी और पग पहुंचे उसी इवेंट पे जहाँ पे शी हल्क के अगेंस्ट मीटिंग हो रही है, यहाँ पे लेडी थॉर का भी एक रेफरेंस दिया जाता है। एनीवे पग यहाँ पे बहुत घबराया है, उसमें हिम्मत नहीं हो रही कि बाकी लोगों से बात करने के लिए, लेकिन निकी उसको कॉन्टैक्ट करते हुए यही कहती रहती है कि जाओ बात करो, तुम कर सकते हो, जेनिफर वॉल्टर्स की जान दाव पे लगे तो तुमको उसकी मदद करनी होगी। और इसी मीटिंग में टॉड फिलिप्स भी आया हुआ है, वही जो कि बार बार चेप हो रहा है शील्ड से फिर जेनिफर वॉल्टर्स से। टॉड यहाँ पे उल्टा सीधा बोल रहा है शील्ड के बारे में, एंड निक यहाँ पे सजेस्ट करती है पग को कि वो बोले उसको सब कुछ नेपोटिज्म की वजह से मिला, एंड पग जैसे कहते हैं उसको नेपोटिज्म की वजह से मिला, सब लोग एग्री करते हैं करेक्ट, ये पावर्स कोई डिजर्विंग इंसान डिजर्व करता था, एंड शी हल्क के बाद जेनिफर वॉल्टर्स वो डिजर्विंग इंसान नहीं है, इसको पावर्स मिले। पग यहाँ पे टॉड से पूछता है कि तुम इस ग्रुप से कैसे मिले, एंड टॉड रिवील करता है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजेंस, मैंने ही इंटेलिजेंस वेबसाइट बनाई है, यही है हल्क किंग। जेनिफर वॉल्टर्स परेशान घूम रही है उसी घर में, एंड वो रैकिंग क्रू के मेंबर से मिलती है, एंड वो बताता है कि दरअसल एमिल ब्लॉन्स के नीचे एक इवेंट चल रहा है लॉज में, वो वहीं पे है, एंड गाइस सब कुछ हो रहा है ये वही जगह है जहाँ पे एमिल ब्लॉन्स की रहता है, एंड निकी और पग भी उसी जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो बेसिकली एमिल ब्लॉन्स्की कोई सुधरा नहीं है, वो अभी भी वैसा ही है।
और टॉड तब यहाँ पे स्वागत करता स्टेज पे एबोमिनेशन का, एंड हम देखते हैं कि एमिल ब्लॉन्स की नहीं एबोमिनेशन पहुंचा है। तो मतलब वो जरा सा भी नहीं सुधरा था, वो अभी भी वैसे था। उसको मना किया होता है एबोमिनेशन में चेंज होने से, बट वो फिर भी एबोमिनेशन बदल चुका है। ये मीटिंग चली रही होती है, एबोमिनेशन बोल रहा होता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि जेनिफर वॉल्ट वहाँ पे एंट्री लेती है। एनोज परेशान, ये क्या हो गया, ये तो मना किया गया था। और तभी हम देखते हैं एबोमिनेशन वापस एमिल ब्लॉन्स के बदल जाता है। और तभी वहाँ पे देखते हैं निकी और पग आते हैं, वो बताते हैं कि हल्किंग टॉड नहीं बनाई है, यही पूरे इंटेलिजेंस है, यही सब कुछ है वो लोग। और पग ये भी रिवील करते हैं कि उस जॉश को मैंने ही भेजा था तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा गुलू गुल करने के लिए, तुम्हारा ब्लड चुराने के लिए, और तुम्हारा फोन भी उसने ही क्लोन किया था। और तभी हम देखते हैं टॉड जेन का चुराया हुआ ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो भी हल्क में बदल जाते हैं। एंड फिर वहाँ पे टाइटेनियम एंट्री लेती है, एंड जेनिफर वॉल्टर कह रही है तो लास्ट एपिसोड है सीजन का, क्या हो रहा है, सब लोग यहाँ पे आए जा रहे हैं, क्या चल रहा है। टॉड यहाँ पे हमला करता है टाइटेनिया पे और जेनिफर वॉल्टर्स पे, लेकिन एबोमिनेशन उसको बचा लेता है, एबोमिनेशन को अपने कंधे पे बैठा लेता है। एंड तब यहाँ पे फाइनली एंट्री होती है हल्क की, ब्रूस बैनर, स्मार्ट हल्क की। अब आता है गाइस बहुत ही कमाल का सीन, बहुत ही कमाल का, लिटरली ब्रेक द फोर्थ वॉल किया है, पूरा मार्वल यूनिवर्स के बाहर आ रहा है। जेनिफर वॉल्टर्स बार बार परेशान हो रही है कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों इतना हमें हॉटस्पॉट देने मिल रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि मार्वल स्टूडियोज का या फिर डिज्नी प्लस का जो मेन मेन्यू वो निकल के आ गया सामने स्क्रीन पे, एंड जेनिफर वॉल्टर लिटरली अपने शो के अंदर से बाहर निकल के आ रही है, मतलब लिटरली मेटाफोरिकली हर चीज में ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल है। और हम आगे देखते हैं कि शील्क एक्चुअली शील्क के प्रोडक्शन स्टूडियोज की तरफ, मार्वल स्टूडियोज के प्रोडक्शन हाउस की तरफ पहुंच जाती है, जहाँ पे सेट्स लगे हैं, मतलब पूरा ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल कर दिया यहाँ पे। तो शील्क पहुंचती है एक रूम में जहाँ पे राइटर्स क्रिएटर्स सब लोग वो बैठे हैं जिन्होंने एक्चुअली शील्क एपिसोड लिखा है। सब लोग चौंक गए हैं कि शील्क यहाँ पे क्या कर रही है। शील्क यहाँ पे पूरी शील्क की क्रिएटिव टीम से बात कर रही है, डायरेक्टर और राइटर जेसिका से, कितना बेकार आइडिया कैसा है, लिटरली तुमने वही स्टोरी यूज़ करी जो आज तक हमेशा इस्तेमाल होते आई है, ये क्या चल रहा है। तो जेसिका जो राइटर है एक्चुअली शो की, वो ये बताती है कि केविन यही स्टोरी चाहता था, मतलब केविन एज इन केविन फाइगी जो मार्वल स्टूडियोज का प्रेसिडेंट है। और शील्क ये कह रही है क्या घटिया एंडिंग लिखी तुम लोगों ने, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। शील्क मार्वल स्टूडियोज के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पे केविन फाइगी बैठते हैं, एंड हम यहाँ पे पीछे आयरन मैन के सूट्स भी देख सकते हैं। तो बेसिकली मार्वल स्टूडियोज के लोकेशन पे शूट किया गया पूरा, एक्चुअल सेट्स शो के जहाँ मूवीज वगैरह बनती हैं। शील्क यहाँ पे एनडीए भी साइन करती है ताकि वो केविन फाइगी से मिल पाए, एंड तभी हम देखते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पे आके टूट पड़ते हैं, लेकिन शील्क एक एक करके सबसे पीटती रहती है, सबको मारती है। शील्क एक रूम में पहुंचे जहाँ पे मार्वल स्टूडियो की अभी तक जितनी मूवीज आई हैं, आई एम ऑलवेज एंग्री कैप्टन, ये डायलॉग चल रहे हैं यहाँ पे एवेंजर्स के। एंड तभी हम देखते हैं सामने से एक ड्रोन रोबोट टाइप कुछ आता है, एंड केविन का मतलब है नॉलेज एनहांस्ड विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस। केविन शील्क से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको वापस जेनिफर में बदलना होगा। तो यहाँ पे शील्क पूछती है ऐसा क्यों, क्योंकि केविन रिवील करते हैं क्योंकि इससे हमारा बजट बच जाएगा, क्योंकि शील्क का एनिमेशन काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। एंड उसके बाद फिर वो ये भी कहता है लेकिन कैमरा हट जाए तो उसके बाद तुम वापस जेनिफर वॉल्टर में बदलना, वरना ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी हमको बजट बढ़ाना पड़ेगा। कैमरा हटता है, वापस जेनिफर वॉल्टर से बदल चुकी है। और केविन कहता है कि मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट एडवांस्ड एंटरटेनमेंट एल्गोरिथम हूँ, एंड मैं ही सारे मार्वल स्टूडियोज के जितने भी डिसीजन है मैं ही लेता हूँ। जेनिफर वॉल्टर यहाँ पे काइंड ऑफ एक लीगल कोर्ट रूम ड्रामा करते हैं, वह कहती है कि मार्वल स्टूडियोज की जितनी मूवीज है अभी सब एक तरीके से खत्म होती है, एक ही स्टोरी फॉलो कर रही है। बेसिकली यहाँ पे जितना भी ऑडियंस ने या फिर इंटरनेट ने जितने भी लोगों ने हमारे कमेंट जितने भी है वो सब यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज रिवील कर रहे हैं। एंड वो ये कह रहे हैं कि सबको सुपर सोल्जर सीरम सब कुछ सेम हो रहा है, कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। केविन हर एक बात को प्रोसेस करते रहता है और पूछता है कि ठीक है तुम मुझे बताओ जैन कि तुम क्या चाहती हो। जैन बताती है कि मैं चाहती हूँ कि टॉड को कभी भी हल्क की पावर्स ना मिले, तो उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर वो पूछती है कि ब्रूस यहाँ पे कहाँ से अटपका, और केविन यहाँ पे एक्चुअली रिवील कर रहा था कि हल्क यहाँ पे क्यों आया, उसकी कहानी बतानी जरूरी है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में शायद बात करने वाला था, लेकिन जेन कहती है उसको मूवी के लिए रखते हैं, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ मत बताओ। तो क्वाइट पॉसिबल कि इस बीच वर्ल्ड वॉर हल्क हो चुका है शायद, क्योंकि यहाँ पे जेन केविन को बोलने नहीं देती। वो कहती है कि डेयरडेविल को भी रख लो, बट फिर वो कहते हैं डेयरडेविल को रखना थोड़ा गुलू गुलू हो जाएगा। एंड फिर वो बार बार ये भी कहती है कि बाप का रोना हर बार डैडी इशूज क्यों है, टोनी स्टार्क का डैडी इशू, थॉर का डैडी इशू, लोगों के साथ डैडी इशूज। एंड ओ माय गॉड, ये था बहुत सही मोमेंट जहाँ पे जेन पूछते कि एक्समैन कब आए, कैमरे की तरफ देख के आप थम्स अप देती ऑडियंस को, बेसिकली हमने तुम्हारे यहाँ पे सवाल पूछ लिया है। एंड केविन रिवील करता है कि ये मैं तुमको नहीं बताने वाला। गुड मूव मार्वल स्टूडियोज, गुड मूव। केविन उसके बीच में भारी डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीजें रिवील की जाती है। एंड फिर वापस केविन कहता है कि अब तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल पाओगी, अब मैं तुमसे बड़े पर्दे पे आने की सिल्वर स्क्रीन या फिर थिएटर मिलूंगा। शील्क या फिर जेन यहाँ पे एक्साइट होती है, क्या मेरी मूवी आने वाली है। फिर केविन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। एंड वापस देखते हैं कि शील्क पहुंच चुकी है अपने उसी सेट पे या फिर उसी जगह पे जहाँ पे क्लाइमैक्स को छोड़ा गया था। शील्क यहाँ पे टॉड को मारने के लिए जाती है, लेकिन टॉड को मारती नहीं है। एंड वापस जेन बदल के कहती है
कि तुमको जेल मिलूंगी। एंड तभी हम देखते हैं फाइनली अपने डेयरडेविल की भी एंट्री हो जाती है। एमिल ब्लॉन्स्की को वापस जेल लेके चले जाया जाता है क्योंकि उसने एबोमिनेशन बदला था, एंड कह दिया कि अगर आप फिर से एबोमिनेशन बदलेंगे तो आपको 10 ईयर्स की जेल मिलेगी इस बार। आगे हम देखते हैं कि मैट, जेन और उसकी पूरी फैमिली बैठ के यहाँ पे लंच कर रहे हैं। मैट यहाँ पे एंजॉय कर रहे तो पूरा अपना लंच फैमिली के साथ जेन की, एंड जेन के फादर ये कहते हैं कि तुम थोड़ा बहुत पैसा तो कमाते हो क्योंकि तुम प्रो बोनो केसेस लड़ते हो या फ्री केसेस लड़ते हो, क्योंकि एलए में बच्चे पालना काफी डिफिकल्ट है। एंड गाइस फिर यहाँ पे हम देखते हैं स्मार्ट हल्क आ चुका है, वो बताता है कि मैं काफी टाइम से सकार पे था, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बेटे से मिलवाना चाहूंगा स्कार। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर हल्क हमको मिलने वाली है। फाइनली हम देखते हैं कि शील्ड अपनी नौकरी पे वापस पहुंच चुकी है, उसके ऊपर जितने इल्जाम लगे थे सब हट चुके हैं। एंड उसे इंटरव्यू यहाँ पे पूछा है शील्ड से कि क्या अगर ऐसे लोग, टॉड जैसे लोग आपके लाइफ में दोबारा आएंगे तो आप इनसे कैसे निपटेंगी, लीगल तरीके से या फिर सुपर हीरो बनके? एंड शील्ड कहती है दोनों तरीके से। ऊपर से गाइस अगर हम देखें तो शील्ड ने अभी यहाँ पे जो कपड़े पहने गए वो पर्पल कलर के हैं, जो हल्क के जो ट्रिब्यूट दिया गया, क्योंकि हल्क हमेशा ग्रीन तो खुद होती है, पर्पल कलर की पैंट्स पहनते हैं, तो यहाँ पे पर्पल कलर का सूट है और ग्रीन कलर की तो खुद वो दिख। आगे आते दोस्तों मिड क्रेडिट सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की अपने सेल में है एंड वोंग वहाँ पे आ जाता है। वोंग कहता है ना सारा सामान पैक करो अब यहाँ से चलते हैं। एमिल यहाँ पे अपना सारा सामान उठाता है एंड वोंग के साथ आगे निकल जाता है कमर टाच के लिए। एंड यहीं पे सीजन और शो खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर पूरे सीजन से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज जाकर कमेंट में आकर जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था पूरे सीजन में से। मेरा फेवरेट कहें तो ऑब्वियसली वही था एपिसोड 8 डेयरडेविल वाला। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।